हाय एवरीवन, मैं हूँ मोशुमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ मेरे जो फेस पैक है वो शेयर करने वाली हूँ, और ये टोटली होममेड है। आप लोगों को पता है कि होममेड जो चीज़ होता है उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये हेल्पफुल भी होता है। तो आज मैं जो पैक यूज़ करने वाली हूँ वो है ये आयुर के जो फेस पैक है ये। तो ये मैं इसका एक पैक बनाऊंगी और ये मैं हफ्ते में दो बार यूज़ करती हूँ। आप ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते। तो मैंने ये पाउडर लिया है 2 चम्मच। इसके साथ मैं मिलाऊंगी एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे पतंजलि के जो एलोवेरा जेल होता है वो यूज़ किया है। ये मैं लूँगी करीब 1.5 चम्मच। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गुलाब जल, रोज वाटर। ये मैंने यहाँ पे पतंजलि के रोज वाटर यूज कर रही हूँ। ये मिक्स करने के लिए जितना चाहिए आप उतना ही यूज करें। थोड़ा थोड़ा करके आप मिला लीजिए। जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो इनके साथ थोड़ी सी कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। तो ये हो चुका है मेरा पैक, आप देख सकते हो ये पैक हो चुका है। तो फिर शुरू करते हैं। ये मैं अपने फिंगर से फिंगर के हेल्प से लगा रही हूँ। आप चाहे तो ब्रश यूज कर सकते हैं, पर मैं फिंगर से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इसीलिए मैं फिंगर से यूज कर रही हूँ। जिनका ड्राई स्किन है वो इसके साथ थोड़ी सी कोकोनट ऑयल या फिर आप जो यूज़ कर सकते यूज़ किए आप जो बॉडी ऑयल यूज़ कर सक करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। हाफ चम्मच इसमें मिला के आप यूज़ कीजिए। ये आप 10 से 15 मिनट तक इसे छोड़ दें, उसके बाद ठंडे पानी से धो लें। तो कंप्लीट हो चुका है मेरा फेस पैक लगाना। तो अभी इसे मैं 10 से 15 मिनट तक रख दूंगी, तो उसके बाद ठंडे वाटर से इसे धो दूंगी। तो उसके बाद कैसा होता है स्किन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो 15 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं ये सूखने लगा है। तो अभी मैं पानी से वॉश कर लूँगी, तो वॉश करके आप लोगों को दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं अपने ठंडे पानी से मैं अपने फेस को धो के आई हूँ। तो देखिए कितना इम्प्रूव हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, ग्लो दे रहा है, कितना क्लीन हो गया है मेरी स्किन। आप लोग भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर कुछ जाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना, मैं उनका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँगी। तो अभी के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा, और